नमस्कार सर। नमस्कार सरवण जी, कैसे हो? स्वागत है आपका। बस बढ़िया, आप बिल्कुल सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बढ़िया है। आपके यहाँ फार्म पे मैं पहली बार ही आया हूँ। हाँ, फार्म तो क्या घर ही है। हाँ बिल्कुल, वो तो देखो एक घोड़ी है, जहाँ पे घोड़े हैं वही घर है। जी जी जी। हम चाहे कहीं भी चले जाए, इंडिया में चाहे जहाँ घोड़े दिख जाए वही घर है। तो सर जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। लक्ष्मण सिंह? हाँ जी। ओके, और ये आपका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? ये छोटी खाटू गांव, डीडवाना तहसील में पड़ता है। नागौर से 60 किलोमीटर है और डीडवाना से 40, कुचामन से 55 किलोमीटर, चारों तरफ से हाईवे से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो लक्ष्मण जी, आप भी कितने घोड़े घोड़े रखते हो? मेरे पास तो एक घोड़ी है और एक अमोलक की बच्ची है। अच्छा, अमोलक जी अपने नारायण सिंह जी रोहिणा के पास में है। हाँ, अच्छा घोड़ा है अमोलक। वो अच्छा, अच्छी हाइट का है, बढ़िया हाइट का है। और उसके अभी अभी काफी रिजल्ट आए हैं शायद, दो चार रिजल्ट आए, दो रिजल्ट है अभी। अच्छा, अभी बाकी आने वाले हैं, लेकिन दोनों रिजल्ट एक मेरे पास में, एक नारायण सिंह जी के खुद के पास में। अच्छा, वो बच्ची बहुत ही अल्टीमेट बच्ची है, 8 महीने के करीब। हाँ, वो देख के आया हूँ मैं, और एक रिजल्ट आपके पास में। ठीक, आने वाले हैं, काफी घोड़िया कम सी हुई है। अच्छा, तो लक्ष्मण जी जानना चाहूँगा, आपको कैसे इस लाइन में शौक लगा, या पहले आपके फादर साहब या दादू साहब? हमारे फैमिली में तो कोई नहीं रखता था। अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ कि आज से 8-9 साल पहले मैं कहीं किसी के घर गया था और वहाँ पे घोड़े थे। अच्छा, उनके पास कोई बच्ची थी। बिल्कुल, तो मेरे को वो अच्छी लगी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये मेरे को दे दो, तो उनसे जो भी भावताव करके मैं लेके आ गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ऐसे शौक लगा मतलब आपको? हाँ जी। अच्छा, शुरू से शौक तो लोगों को देखते तो थे ही, शौक था कि जब अपन बड़े होंगे तब घोड़ी रखेंगे। तो जब अपने पैरों पे खड़े हो गए और जिस दिन लगा कि आज अपन कर सकते हैं, बिल्कुल, तो उस दिन गए कहीं पर, वहाँ पसंद आ गई और उस समय लेके आ गया। तो लगभग कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को 8-9 साल हो गए। अच्छा, तो इन 8-9 सालों में आपके साथ कोई घोड़ों से रिलेटेड कोई कहानी हुई हो? कहानी तो बहुत है, घोड़े मार्केट में सबके साथ कहानियाँ होती है। होती तो है, इसमें नए बंदे जो भी आते हैं, जो फर्स्ट टाइम घोड़ियाँ लेते हैं या घोड़ा लेते हैं, उनके साथ कहानियाँ होती है। जो शुरू में 2-4 साल सीखने के होते हैं, उसमें आपके साथ कई प्रकार की कहानियाँ होती है, लोग बताते हैं, कुछ है होता कुछ है। अच्छा, तो सब जीवन में सबके मतलब नए बंदे के साथ तो होती है, मतलब एक होती है एक बार तो कुल मिला के आपके साथ भी हुआ ही है। बिल्कुल हुई मेरे साथ। तो थोड़ा एक्सप्लेन करोगे उसको, क्या हुआ था क्या? देखो, हम स्टोरी जानना जरूरी है कि पहले तो मैंने बच्ची ली, उसके बाद मैंने एक दो घोड़ियाँ रखी। ओके, उनके साथ हुआ था। मेरे साथ एक बढ़िया किस्सा, बढ़िया क्या मतलब उसको बोल सकते हैं, उसने एक तरीके से शौक ही खत्म कर दिया था मेरा। अच्छा, कि मतलब घोड़े का शौक ही खत्म हो गया मेरे को, मतलब घोड़ी रखते रखते मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अपने को एक घोड़ा स्टेलियन रखना चाहिए। अच्छा, तो हम काफी दिनों से तलाश में भी थे, मुक्सर भी मेले भी गए थे उस वहाँ से, कहीं से भी अपने को जहाँ जहाँ मेले लगे थे वहाँ देखने कई बार घूमे थे। बाद में ऐसे लगा कि अब लेना चाहिए, तो हमने एक जगह से घोड़ा परचेज किया। ओके, एक जगह से घोड़ा परचेज किया, तो उस समय मेरे को ब्लड लाइन का इतना नॉलेज भी नहीं था, तो मैंने अगले से पूछा ब्लड लाइन कौन सी है, तो उसने कहा कि आलिशान का। अच्छा, नो डाउट घोड़ा बहुत अच्छा था, 65 के करीब हाइट थी, पंच कल्याण था। उसने आलिशान का बोला और मैंने उस पर गुड फेथ किया, क्योंकि वो लग रहा कदकाठी से और उसका बॉडी स्ट्रक्चर वही था। घोड़ा कुल मिला के अच्छा था? अच्छा था, घोड़ा अच्छा था। बिल्कुल, मेरे को जो भी बहुत बढ़िया रकम में लेके आया था, मैंने अच्छा खासा पैसा दिया था उसको। देन क्या हुआ कि उसके कुछ महीनों बाद में पुष्कर का मेला आ गया, तो मैंने उस घोड़े पे खूब मेहनत की 3-4 महीने रिंग में लगाने के लिए। बिल्कुल, पुष्कर मेले गए, टेंट लगाया, टेंट लगाने के बाद में 2-4 दिन बाद में कुछ उस एरिया के लोग आए। अच्छा, तो वो अपने आप आपस में बात कर रहे थे कि ये उस घोड़े का बच्चा है, ये उसका बच्चा है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने अपने, मेरे साथ में कोई मेरा फ्रेंड था, मैंने उसको कहा कि तू जाके सुन ये क्या बात कर रहा है। बिल्कुल, उन्होंने उनसे बात की
कि मतलब बात क्या कि वो जो बातें कर रहे थे तो वो कोई राजू नाम का घोड़ा था कोई पंजाब के साइड में नुकरा था, वो नुकरे का बच्चा था और मेरे को आलीशान का बना के दिया। अच्छा, नुकरे का बच्चा था और आपको आलीशान का बना के दे दिया। उन्होंने जो बात की थी तो फिर मेरे को लगा कि हाँ यार ये उसमें मतलब कुछ ना कुछ ये गड़बड़ है, इतना बात कर रहे तो मेरे उसी समय मूड खराब हुआ और मैंने एक घंटे में घोड़ा और घोड़ियाँ सब बेच के। अच्छा, पुष्कर मेले में ही उसी टाइम? तो फिर वहाँ से मतलब आपका एक तरफ से देखा जाए तो शौक खत्म हो गया था। ऐसा लगा कि यार नहीं यार यहाँ पे तो सारा झूठ ही है, कुछ ऐसा करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा लगा के भी फिर लोग ऐसा करते हैं तो ये क्या है कि ये एक्सपीरियंस की चीजें हैं लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, और जब आपको एक्सपीरियंस होता है धीरे धीरे सीखते हो। तो फिर मैंने एक दो साल फिर जानवर नहीं रख रखे। अच्छा, एक दो साल के बाद में फिर मेरे को मैंने कहीं गया था तो फिर ये बच्ची थी तब मैं। अच्छा अच्छा, मतलब शौक खत्म करके फिर वापस आपको ये शौक लगा है। तो वो क्या होता है कि कोई भी चीज है ना, आदमी के घोड़ा घोड़ी एक बार जो आदमी रख लेता है ना तो उसके दिमाग से वो चीजें निकलती नहीं है। बिल्कुल, तो जहाँ भी जाता था कई फार्मों पे भी गया मैं, घोड़ियाँ देखता रहता था जहाँ जाता आता रहता था। बाद में मेरे को ये कहीं किसी के घर गया था और ये बच्ची थी वहाँ पे तो मैं वहाँ से परचेज कर। अच्छा, ये वाली? हाँ जी, जो घोड़ी है। हाँ जी, ये मेरे पास अभी कम से 3 साल से है। अच्छा, अभी ये 42 महीने के करीब की घोड़ी। 42 महीने की? हाँ जी। क्या नाम है इसका? इसका लक्ष्मी नाम है। लक्ष्मी? हाँ जी। तो फिलहाल में आपके पास ये एक घोड़ी है? मतलब हाँ जी, एक ही है। मेरे को शौक है, बेचना खरीदना तो कुछ है नहीं। हाँ बिल्कुल, एक शौक से तो अपन एक से भी पूरा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 10 घोड़े रखो। बिल्कुल राइट बात है, मतलब आपका शौक ही है एक घोड़े रख रहे हो। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया? लक्ष्मी। लक्ष्मी। और 42-43 महीने करीब हो गई है? हाँ, 4 दांत अभी जस्ट रिसेंट किए इसमें। अच्छा अच्छा, 2 दांत की थी तब मैंने घोड़ा भरवा दिया था। ओके ओके, 2 दांत की हुई तभी है। अच्छा, कौन सा घोड़ा भरवाया था आपने? अमोलक। अमोलक, अच्छा, देव प्रभात और देव देवली लाइन का घोड़ा। हाँ हाँ, अच्छा घोड़ा है अमोलक। हाँ, बहुत बढ़िया हाइट है और हाइट भी अच्छी है उस घोड़े की। 69 के करीब, 1 ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस घोड़ी की अगर अपन हाइट की बात करें, कितनी हाइट की होगी ये? देखो ये 59 इंच की है। अच्छा जी, 59 की है। हाँ जी, तो आजकल तो हाइट का क्रेज चल रहा है, आप 59 की क्यों रख रहे हो? ये रख कर अब हाइट बढ़ाना किसी के हाथ की बात नहीं होती। मैं बच्ची लेके आया था, हाइट इंक्रीज नहीं की, अब किस वजह से नहीं की वो मेरे को नहीं पता। बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल इसका बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो आपको कई घोड़ियों में नहीं मिलेगा, केवल हाइट भी नहीं होती। अब ये जो लोग हाइट बताते हैं 62-63, वहाँ पे आप 8% जाके रियल में देखोगे तो कुछ और मिलेगा। अभी मैं ही आपको कह दूं ये 62 का फैक्ट बात है, सही बात है। मेरे को बेचनी तो है नहीं, आके देखेगा कौन? बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है, कोई नापने तो आने वाला है नहीं, तो मैं झूठ क्यों बोलूं? बिल्कुल, बोल भी सकते हैं, बोलते ही हैं, बोलते हैं। अभी मैं कह दूं आपको 60, तो आप 60 की या 62 की आप कितना लेके थोड़ी खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये बच्ची है इसकी अमोलक की? ये 2 महीने की, 13 अप्रैल को इसने ठान दिया था इस घोड़े ने। अच्छा अच्छा, अभी ये 2 महीने की हो गई? हाँ, मतलब आज 14 तारीख है, 15 हुई, 14 है, कल 13 तारीख, 13 अप्रैल को ठान दिया था, कल 2 महीने की हुई। हम तो इस घोड़ी पे मेहनत कर रहे हैं और इसको अभी राइडिंग के लिए हमने इतनी परफेक्ट कर दी है ठान देने के बाद में। अच्छा, कि ये मतलब बिना लगाम और बिना मुरा आप सेडल डाल के चलो, बहुत बढ़िया चाल में चलती है। अच्छा अच्छा, बिना लगाम और बिना मुरा के भी राइडिंग करती है? अच्छी है। और बच्ची भी सुंदर है आपकी, ये अमोलक वाली? देखो ये बच्ची अमोलक का रिजल्ट, मैंने अभी तक ये दूसरा रिजल्ट है और दोनों रिजल्ट बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है। अब ये देखो, मैं मेरी बच्ची है तो मैं तो क्या कहूँ। बिल्कुल नहीं, वो तो देखो देख रहे हो कैसी है। बिल्कुल, एक इसको तैयार करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे इसमें इसके लिए। बिल्कुल, कि आगे वाले मतलब 1 साल बाद में अमोलक का एक रिजल्ट उन्हीं के पास में है, वो भी अल्टीमेट बच्ची है। अभी 8 महीने के करीब शायद उसकी उम्र हो गई है, 8 महीने के करीब ही है। बहुत बढ़िया हाइट भी की है उसने, ग्रोथ अच्छी की। अच्छा, राइडिंग भी अच्छी कराती है ये घोड़ियाँ? हाँ, बहुत बढ़िया राइडिंग कराती है सरवण जी ये। मैंने मतलब हमने इसको पहले राइडिंग पे नहीं लिया था,
ठान लेने, ये पहले क्या शरीर में ज्यादा भारी थी, तो ठान देने के बाद में मैंने सोचा कि इसको अब थोड़ा फिट भी कर लेते हैं। ओके ओके। तो फिर ये हमारे नथू सिंह जी है, अच्छा, ये काफी अच्छे ट्रेनर है। अच्छा, घोड़ों के? हाँ, घोड़ों के बहुत बढ़िया ट्रेनर है। तो इन्होंने इसको मतलब अभी जो इसकी केयर टेकिंग यही कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, हमारे अच्छा, पास अच्छा, के अच्छा। गांव के हैं बरनेल के, और इन्होंने इसको ट्रेंड किया। और ये अभी मतलब पहले हमने इसको लगाम से लिया था, मूरा डाल के लिया, और अब इसको आप सेडल बांध के भी इसके ऊपर बिना मतलब मूरा के केवल एक रस्सी डाल के गले में वो राइडिंग कर सकती है। तो ये राइडिंग की ट्रेनिंग इन्होंने दी क्या? हाँ जी, नथु सिंह जी ने दी है, कोई और दूसरा ट्रेनर नहीं था। ये सुबह शाम दोनों टाइम इस पे फुल मेहनत कर रहे हैं, और ये एक ट्रेनर के हिसाब से नहीं है, मेरे तो एक बड़े भाई के हिसाब से यहाँ पे रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही बात। ये इसकी पूरी सेवा करते हैं, और ये घोड़ी भी बहुत सीधी घोड़ी है, घोड़ी तो सिंपल है, बिल्कुल सीधी। इसको जो चीज एक बार, अच्छा इसका मैंने ये देखा है कि इस पे जैसा राइडर बैठता है वैसे चलती है। अगर आप इसको लगाम से अगर जिसने तेज ले ली तो ये उसके साथ तेज में चलेगी, और जो धीरे धीरे चला रहा तो उसके साथ धीरे धीरे चलेगी। अच्छा अच्छा, इस घोड़ी की लाइन भी है कोई? या लाइन का देखो ऐसा है कि मेरे को तो किसी ने बोला था, वो लाइन बना के ही दिया था, लेकिन वही बात है, मैं वहाँ पे था नहीं और मेरे को कंफर्म नहीं है, तो मैं बता नहीं पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, राइट बात है, आपके लिए ये अनोन लाइन है। हाँ जी, अनोन। फिर भी आपकी घोड़ी बहुत अच्छी है, और रिजल्ट देने में, रिजल्ट में ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छी घोड़ी, बहुत बहुत बढ़िया घोड़ी है। बिल्कुल, क्योंकि अपन को बेचनी होती तो अपन कहें कि इसकी है उसकी है, अपने को बिल्कुल, इससे बिल्कुल। मतलब एक वो आत्मीयता का जुड़ाव है, मतलब इतनी सीधी घोड़ी है ये कि सुबह जब मैं निकलता हूँ तो इसको पता चल जाता है कि मैं आ रहा हूँ, तो ये यहाँ पे आगे आके इसके स्टेबल के आगे और बोलने लग जाती है, मतलब आवाज सुनते ही बोलती है। और फिर आप तो इसको बचपन से भी पाल रहे हो मेरे ख्याल से, 8 महीने के करीब थी जब लेके आया था, वो भी थोड़ा अट्रैक्शन होता है। और इस पे कोई बच्चा भी चढ़े तो ये मना नहीं करते, बच्चा भी पास में जाए तो ऐसे नहीं लात निकालना, कुछ ऐसा कुछ नहीं। क्या नाम बताया ट्रेनर का? नथु सिंह जी। नथु सिंह जी, जी। आप भी आज कैमरे के सामने आ गए हो, कहाँ से हो आप? बरनेल। बरनेल यही नागौर में? हाँ, यहाँ पास में 10 किलोमीटर। अच्छा, तो आपका काम है घोड़ियों को ट्रेनिंग करने का? अच्छा, क्या क्या ट्रेनिंग देते हो आप? ये रेवल चाल का। रेवल चाल, छोटी चाल बड़ी चाल सब डाल देते हो उसमें? कितना टाइम लगता है एक घोड़ी को तैयार करने में? जैसे मान लो आराम से करे तो 2 महीने लगा दें, 1 महीने नहीं तो 1 महीने में हो जाता है। अच्छा, कब ट्रेनिंग देनी चाहिए इनको, कितनी उम्र में? 3 साल के बाद। 3 साल के बाद, उससे पहले अगर दे दे तो कोई नहीं, फिर कम, शरीर भी कमजोर रहते हैं, पैर भी कमजोर रहते हैं। अच्छा अच्छा, जो ग्रोथ होना है वो 3 साल तक हो जाएगा, हो जाएगा उसमें। हाँ। उसके बाद ही अगर ये ट्रेनिंग करे तो ठीक रहता है मतलब? हाँ। अच्छा, तो बहुत से तो ऐसे हैं कि 2-2.5 साल के घोड़े पे राइडिंग करते हैं। नहीं नहीं, फिर क्या, थोड़ा शरीर कच्चा रह जाता है, पैर कमजोर रह जाते हैं, पैर खराब हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे घोड़ों घोड़े को बहुत से बोल भाई ट्रेन करते हो, तो क्यों करते हो ट्रेन इनको, क्या कारण है, मेन कारण क्या है इनका? इनका मतलब एक तो सवारी अच्छे से करावे। हाँ भाई, अगर कोई मालिक या कोई भी राइडिंग करे तो वो अच्छी तरीके से राइडिंग कर ले, मतलब ट्रेनिंग का मतलब मेन मतलब वही है मतलब वो ही। अच्छा, और चाल का? चाल पहले छोटी चाल, फिर बाद में बड़ी चाल। अच्छा अच्छा, आराम से धीरे धीरे बढ़ाते, धीरे धीरे बढ़ाते रहो। अच्छा, तो इस घोड़ी को आपने ट्रेनिंग दी, कितना टाइम लगा आपको इसमें? इसको जैसे मान लो इसका ठाण कराया, ठाण कराने 20 दिन के बाद में इसके ऊपर राइडिंग। अच्छा, तो आपकी लाइफ में तो ऐसे ऐसे घोड़े भी आए होंगे जो साले बदमाश हो, काटते भी हो, तो उनको कैसे कंट्रोल करते हो फिर आप? उसको प्रेम से। अच्छा, कंट्रोल प्रेम से ही होता है वो? प्रेम से, मारने पीटने से नहीं होता। मारने पीटने से तो नहीं होता, बट ये बॉसों की प्रॉब्लम है कि यार मेरा घोड़ा काटता है या ये करता है ये करता है, तो उसके लिए ये बेटर है मतलब प्रेम से ही रखो उसको। प्रेम से उसको हाथ फेरा करो, उसको प्यार दो, तो आराम से अपने बात में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सरवण जी एक बात बताऊँ, मैं मतलब मैंने पहले भी घोड़िया रखी थी, इनसे ट्रेंड करवाई थी मैंने, मतलब इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि घोड़ी को मारते नहीं है। उससे इनसे पहले मैंने एक ट्रेनर को बुलाया था, वो सबसे पहले क्या करते हैं, घोड़ी को एक साइड में ले जाएंगे जहाँ मालिक होगा नहीं, वो उसको ले जाके पहले मारेंगे उसको।
मेरे पास जब मेरी इनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई तो मैंने इनको से एक ही निवेदन किया, मैंने कहा रतु सिंह जी आप कुछ भी करो घोड़ी को मारना मत, क्योंकि ये जानवर जिसको अपन इतना प्रेम करते हैं बिल्कुल तो बिल्कुल कम से कम उस पर अत्याचार अपने को नहीं। और देखो मारने की एक ऐसा भी है मैंने सुना है कि जो घोड़ा मतलब मारता है ना मालिक या हो चाहे ट्रेनर हो चाहे कोई भी हो, वो घोड़ा एक ना एक दिन उसका बदला वापस लेता है। बिल्कुल लेता है, क्योंकि आपको आप उसको क्या करवाना चाहते हो उसको समय दो ना। बस 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 बिल्कुल सही बात। ये घोड़ा ऐसा चीज है ये हर चीज सीख रहा आप कई अभी बच्चों में नहीं होता, कई बच्चे इमीडिएट सीख जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। कई बच्चे टाइम लेते हैं तो अब उसकी उसकी लर्निंग कैपेसिटी क्या है वो ट्रेनर को देखनी चाहिए। ट्रेनर का मतलब ये होता है कि उसको लर्निंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि ये क्या चाहिए। अब ट्रेनर उसको अपन बच्चे को मार रहे हैं तो वो उस चीज से भागेगा, काम नहीं करेगा, वो ज्यादा ही भिड़केगा। इनकी मैंने ये खासियत देखी, मेरे को नहीं पता आगे दूसरों के यहाँ क्या करते होंगे। मेरे यहाँ इस घोड़ी को ट्रेंड किया इन्होंने बिल्कुल चाबुक क्या होता है दिखाया भी नहीं, मतलब मतलब एक छड़ी लेके भी मैं घोड़ी पे नहीं चढ़ने दी। नहीं ये तो देखो ट्रेनिंग तो इनकी लग रही है कि ये मतलब बिना इसको पकड़े खड़ी है घोड़ी जी हुकुम, तो ये इनके प्यार से ही खड़ी है जी हुकुम जी। अभी मैं पकड़ के खड़ा हो जाऊं देखा मेरे पास खड़ी हो जाएगी। चलो बहुत ही अच्छा जी आपसे मिलकर खुशी हुई। और तो सभी जगह जाते हो मतलब आप? हाँ सभी जगह पंजाब गुजरात सभी जगह। अच्छा गुजरात ज्यादा जाते हो तो राजस्थान वाले पैसे नहीं देते क्या आपको? मैं शुरू से गुजरात में ज्यादा राइडिंग करता हूं। अच्छा अच्छा शुरू से गुजरात में जाते हो। काठियावाड़ काठियावाड़ वाला एरिया बढ़िया आपके लिए। हाँ भावनगर राजकोट। अच्छा कोई बुलाए तो आपको जा सकते हो मतलब आप? क्या आपके मोबाइल नंबर बताओ? 89092436459। ठीक है साहब धन्यवाद।